कंगना रनावत और संजय राउत के बीच में जो मुंह तोड़ जवाबी चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके चलते सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने उनके लिए वायु श्रेणी सुरक्षा जो है वो नियुक्त की है। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइन। हम सभी ये बात जानते हैं कि संजय राउत और कंगना रनावत, इन दोनों के बीच में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुंह जवानी लड़ाई चल रही है, उसके चलते कई खतरे मंडराते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में जहां एक तरफ संजय राउत ये कह रहे थे कि उन्हें महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र आना नहीं चाहिए था, और साथ ही अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इस बात को कहा कि उन्हें अधिकार नहीं है महाराष्ट्र में कदम रखने का। साथ ही यहाँ पे कंगना रनावत उन्हें चुनौती देती भी नजर आती है कि 9 सितंबर वो मुंबई में आ रही है, जिसके बाप में दम हो, जो करना है वो कर ले। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कंगना रनावत ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मुझे मार सकते हो, हम भी इस मिट्टी के लिए दफन होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद में सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने वायु श्रेणी की सुरक्षा उन्हें नियुक्त की है, यानी कि जब मुंबई एयरपोर्ट पे वो पहुंचेंगी तो उन्हें काफी कड़ी सुरक्षाओं के दौरान जो है उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने ले ली है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से संजय राउत जो है इस मामले में अपनी गवाही देते हैं। आपको बता दूं कि इस बात को लेकर कंगना रनावत ने भी रिएक्ट किया है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है गृह मंत्री अमित शाह का, और साथ ही उन्होंने लिखा है कि अब भारत की किसी भी बेटी की जो कि सच्चाई के लिए लड़ रही हो, उनको अपनी बात को दबाना नहीं पड़ेगा, उनको दबाया नहीं जाएगा, और इस तरीके से हर कोई आजाद होकर अपनी राय और अपनी बात और लोगों का खुलासा करता रहेगा। साथ ही उन्होंने लिखा है जय हिंद। आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एक्ट्रेस को एक वायु श्रेणी की सुरक्षा नियुक्त की जा रही है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या है आप लोग की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।